फ्रेंड राधे राधे, आज मैं न्यू रेसिपी के साथ आ चुकी हूँ। आज की हमारी रेसिपी है, मैं बेसन की जा रही हूँ गट्टे वाली सब्जी बनाने, तो मैं उसी का रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मैं बेसन ले ली हूँ, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो बेसन को ले के इस तरीके से छलनी से अच्छा तरीके से छान लेना है। इसमें जो गुठलियाँ होती हैं ना, छोटा छोटा सा, तो वो सबको मसते हुए किसी चम्मच के सपोर्ट से आप इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से छलनी से छान लें। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। आज मैं बहुत अच्छा तरीके से बताऊंगी या यूनिक बताऊंगी कि कैसे आप बनाएं। बेसन के तो ऐसे बहुत तरीका है सब्जी बनाने का, पर मैं ये रेसिपी अभी तक नहीं दी थी, तो मैं सोची चलो मैं बना रही थी तो शेयर करती हूँ आप लोग से। आप लोग भी देखिए, अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए। देखिए, इस तरीके से चम्मच की सपोर्ट से इसका जो भी होगा छोटा छोटा सा गुठली, तो सभी को मैं मेसते हुए इस तरीके से सभी को छलनी से छान लेना है। देखिए, लगभग हमारा सब हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ मसाला ऐड करूँगी, तो मसाला देखिए ज़्यादा कुछ विशेष मसाला नहीं है। मसाला में मैं हल्दी पाउडर ले लेना है, फिर मिर्च पाउडर लेना है, इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करूँगी। जीरा का इसलिए ऐड कर रही हूँ ना कि जीरा का जो फ्लेवर होता है ना, बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा टेस्ट इसका और भी अच्छा आएगा, तो इस वजह से जीरा थोड़ा सा डालें और एक चम्मच इसमें ऑयल डालें। और उसके बाद क्या करना है, अब मैं इसको सान लूँगी, एक अच्छा सा डो तैयार करूँगी, जैसे आटा सानते हैं ना उस तरीके से इसे सानना है। नमक स्वाद के हिसाब से यूज कीजिए। अब सब मसाला मैं डाल चुकी हूँ, सब कुछ मिल चुका है, तो अब सभी को मिक्स करके इसको मैं आटा के जैसा जैसे गूंथते हैं ना, उस तरीके से इसे गूंथ लेना है। पहले सारे मसाले को अच्छा तरीके से मिला दें कि सब में बेसन में अच्छा तरीके से आपका ये मसाला इस तरीके से मिल जाए। उसके बाद मुट्ठी में बांध करके देखिएगा कि अच्छा से आपका मिला है या नहीं। और उसके बाद मैं इसके में थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा पानी यूज नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा पानी का छिट्टा देते हुए इसको एक अच्छा सा इसका डो तैयार करना है। बस इसी तरीके से हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लीजिए। ये थोड़ा सा हाथ में ना चिपकेगा भी, तो थोड़ा सा जब ज़्यादा लगे कि चिपक रहा है, तो आप क्या कीजिए, इसमें थोड़ा सा तेल का यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से करके इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से देखिए मत के अच्छा तरीके से आपको सॉफ्ट कर लेना है थोड़ा सा। ये देखिए हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगी, देखिए इसका मैं गोला काटूँगी, एक बराबर से सारा गोला होना चाहिए। उसके बाद मैं इसका एक लंबा सा तैयार करूँगी, देखिए इस तरीके से। आप इसका कोई भी आप शेप दे सकते हैं, पर मैं यही शेप दी हूँ। सारे बेसन का गोला को इस तरीके से तैयार कर लेना है। और मैं एक तरफ पानी चढ़ा दी हूँ कढ़ाई में गर्म होने के लिए। पानी जब हमारा गर्म हो जाएगा ना, तो मैं उसमें इसको डाल के स्टीम करूँगी। पानी के अंदर इसको डाल देना है कि अच्छी तरीके से ये हमारा पक जाए। इस तरीके से देखिए ये बन के हमारा तैयार हो चुका है। अब देखिए हमारा पानी गर्म हो चुका है, मैं देख रही हूँ पानी हमारा हीट हुआ है नहीं, तो पानी हमारा जब हीट हो जाएगा ना तो बुलबुला दिखने लगेगा, तो अभी नहीं हुआ, मैं जस्ट पानी चढ़ाई ही हूँ। तो जब पानी आपका गर्म हो जाए तो मैं इसमें डाल दूँगी इस तरीके से।
और डालने के बाद मैं अब इसे आराम से इस तरीके से उलट पुलट के इसको छोड़ दूंगी। कम से कम इसको 5 मिनट रखिएगा, ज़्यादा देर नहीं रखना है फ्रेंड, ज़्यादा देर रखने से ये बहुत हार्ड हो जाता है तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो बस 5 मिनट कीजिए, 5 मिनट में ये सॉफ्ट रहता है तो सॉफ्ट रहेगा, उस समय इसको निकाल देना है। अब किसी चम्मच की मदद से इसमें देख लेना है कि ये कच्चा तो नहीं है, क्योंकि कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, ये मैं उलट पुलट के इसको पका लेना है इसको। ये लगभग अब हमारा तैयार ही है, तो मैं इसे किसी बर्तन में निकालूंगी, पर मैं इसको में थोड़ा सा चम्मच गिरा के देखूंगी। किसी भी नोकीले चीज़ से आप इसको थोड़ा सा देख ले, टेस्ट कर ले कि ये आपका पका है या नहीं। तो ये हमारा पक गया, अगर नहीं पका रहेगा ना तो चम्मच में आपका लग जाएगा। तो ये नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये हमारा तैयार है। तो मैं गैस बंद कर दी हूँ, अब मैं इसको निकाल के दूसरे बर्तन में रखी हूँ। अब मैं इसका मसाला तैयार कर रही हूँ। मसाला में क्या डालना है, राई और जीरा का मैं फ़ोरन डाली हूँ कढ़ाई में। जब जीरा और राई हमारा चटक जाएगा तो फिर मैं इसमें मसाला डालूंगी। पहले प्याज डाल ले, प्याज डाल के अच्छी तरीके से प्याज को भूनना है। जब प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए ना, तब मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। तो तभी इसमें मसाला ऐड करें, पहले प्याज को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसाला में मैं यूज की हूँ ये गोल्डन, हमारा देखिए प्याज लगभग हो चुका है, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो मैं मसाला इसमें डालूंगी। मसाला में क्या यूज की हूँ, मसाला में देखिए लहसुन लेना है, अदरक लेना है, और उसके बाद आप सूखा मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर एक एक चम्मच ले लें, और हाफ प्याज। ये सबको क्या करना है, मिक्सी में डाल के आप एक बार अच्छा सा मिक्स करके मसाला इसका तैयार कर लें। और उसके बाद मैं इसमें नमक डालूंगी स्वाद हिसाब से, ज़्यादा नमक यूज नहीं करना है, क्योंकि मैं जो बेसन का गट्टा बनाई हूँ ना उसमें भी नमक डाली हूँ। तो नमक बहुत हिसाब से यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा तेज़ नमक हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैं सारा मसाला आपको बता दी फ्रेंड कि क्या क्या यूज करना है। भुनने के बाद मैं इसमें पानी डालूंगी। जब मसाला हमारा भुना जाएगा ना, तो तेल हल्का हल्का देखिए निकल रहा है, तो यानी हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो तैयार हो गया है तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से ग्रेवी लगाएं, ना आपको पसंद है, लेकिन मसाला के हिसाब से ही ग्रेवी लगाइएगा तो वो गाढ़ा रहेगा। पतला जब हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा ग्रेवी इसका गाढ़ा ही रहना चाहिए। तो इस तरीके से तैयार है हमारा ग्रेवी। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा इसे पकने के लिए छोड़ूंगी ग्रेवी को। जब ग्रेवी हमारा तैयार हो जाए तो फिर मैं जो बेसन के गट्टे बना के रखी हूँ ना, उसको क्या करना है, छोटा छोटा सा कटिंग कर ले, छोटा छोटा मैं दिखाऊंगी आपको आगे। तो वो मैं कटिंग करके उसके बाद जो ग्रेवी हमारा तैयार हो जाएगा तो मैं उसको इसमें डिप कर दूंगी। डाल के थोड़ा देर 2 मिनट तक गैस पे ही रखना है, उसके बाद आप गैस से उसको नीचे उतार दीजिए। उसके बाद बनके आपका बहुत अच्छा बेसन के गट्टे की सब्जी तैयार है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, बहुत अच्छा रेसिपी है, बहुत टेस्टी लगता है। चावल के साथ आप ले सकते हैं, क्योंकि ये चावल का ही रेसिपी है, चावल के साथ लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। चावल के साथ खाने वाला रेसिपी है, मतलब हमारा कहने का ये था। तो आप यूज कीजिए, देखिए हमारा ग्रेवी तैयार है, पूरा अच्छा तरीके से बन चुका है। बेसन का गट्टा मैं बना के रखी थी ना, वो छोटा छोटा कटिंग कर दी थी, अब उसको ग्रेवी में डाल के कुछ देर में इसको गैस पे ही छोड़ूंगी, उसके बाद बंद कर दूंगी, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये जो है ना वो और हार्ड हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए हमारा सब्जी बन के तैयार है। अगर रेसिपी आज की आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि हमारा रेसिपी आपको कैसा लगा। कोशिश करती हूँ फ्रेंड कि हर दिन कुछ नया रेसिपी आप लोग को ज़रूर दूँ। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।